हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ज्योमेट्री पार्ट नंबर 16 की। जी हाँ दोस्तों, 15 पार्ट इससे पहले मैंने आप सभी को करा रखा, आज है पार्ट नंबर 16 की बारी, जिसमें जो कि क्वाड्रिलेटरल का लास्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज क्वाड्रिलेटरल का क्या है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल कम्प्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल। क्या पढ़ेंगे? सर्किल, यानी कि वृत्त को कल से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को ज्यादा समय जाया नहीं करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इससे पहले मैंने आप सभी को क्वेश्चन और इससे पहले वाले वीडियो में 18 तक बता रखा है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। कहाँ से दोस्तों? 19 से। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा किसी आयत का विकर्ण, कोई आयत है तो पहले आप जान लीजिए आयत बनता कैसे है। दोस्तों आयत ये होता है, ठीक है ना, किसी आयत का, मान लीजिए आयत है ए बी सी डी, यह एक क्या हो गया, आयत हो गया। कह रहा किसी आयत का विकर्ण, तो विकर्ण कह रहा, तो विकर्ण हमने यहाँ बना दिया, ठीक है ना। किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। उसकी छोटी भुजा दोस्तों, छोटी भुजा यही तो है या बड़ी भुजा है, माने आप बड़ी भुजा एक्स, छोटी भुजा वाई। कह जो विकर्ण है वह इससे 3 गुना, यह वाई है तो यह 3 वाई हमने मान लिया, ठीक है ना। इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स बटा आपको वाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है? एक्स बटा वाई। अब दोस्तों एक्स बटा वाई कैसे ज्ञात होगा, चलिए ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। और तो क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है, चलिए और भी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री बनना, कितना बनना, 90 डिग्री, और यह एक समकोण त्रिभुज है। यह क्या है, यह यहाँ देखिए, यह क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण की जगह पर 3y है ना, तो 3y का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज हो गया। 3y का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9y स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ 9y स्क्वायर। यह प्लस वाई स्क्वायर है, बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। 9 में से एक जगह दोस्तों 8y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ, और क्या होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर है, गुणा का इधर आके भाग करेगा बराबर 8, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे 8/1। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी हमें थोड़ा सा देख सकते क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया है एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8y1, ये चीज आ गया है। दोस्तों जब हम यहाँ से स्क्वायर उधर करेंगे ना, तो उधर क्या हो जाएगा, कर्ड़ी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कर्ड़ी में, यानी कि एक्स बटा वाई बराबर कर्ड़ी में 8/1, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, तो यानी कि x बटे y जो है 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 8 का वर्गमूल नहीं होगा 1। 8 का वर्गमूल कैसे नहीं, कैसे करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 जगह ना 1 जगह करेंगे, जो बचेगा उसको कर्डी में, यानी कि x बटे y का जो रेशियो हो जाएगा 2 कर्डी में 2/1। और आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ चले जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो इस तरह से जो रेशियो यहाँ पर आ गया दोस्तों, वो आ चुका है एक्स अपन वाई 2√2/1, और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ चले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बताइए इसमें कौन सा चीज ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया एकदम। दोस्तों जब आप जाएंगे ना ज्योमेट्री फॉर ऑल एग्जाम्स, तो वहां पर जो भी वीडियोज मिलेंगी, अगर आप उन सभी वीडियोज को देख लेते हैं, तो आपका कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप इस तरह से पढ़ा दिया इस हिसाब से, ताकि वो एनटीपीसी ग्रुप डी सीजीएल सारे लेवल को कवर करता है, ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कह रहा है एक समचतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की नाप 60 डिग्री है। कोई समचतुर्भुज है दोस्तों, समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि सारी भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यू बन गया समचतुर्भुज ए बी सी और ये डी। यहाँ पे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि यह 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर, यह 10 सेंटीमीटर और यह 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे कह रहा है प्रत्येक की नाप 60 डिग्री है,
यानी कि यह भी 60 डिग्री है, ठीक है ना, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री, 60 से उसको 240, ओहो, कह रहा है दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की नाप 60 डिग्री, यानी कि यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि दे रखा है, यानी कि 120 इधर हो गया, अब बचा कितना, जो भी देखते 240 बचा है तो 120 इधर हो जाएगा, 120 इधर हो जाएगा, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। आगे कह रहा है इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी है, दोस्तों हमने इसको मान लिया छोटा विकर्ण, ये चीज मान लिया, ठीक है ना, इसकी लंबाई हमें फिलहाल के लिए ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 डिग्री, कितना हो जाएगा 240 डिग्री। दोस्तों 240 डिग्री क्यों होगा, यहां पे देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी कि यह कोण मिलकर, यह कोण मिलकर, ठीक है ना, यह कोण मिलकर और यह कोण मिलकर कितना हो जाएगा 240 डिग्री। दोस्तों 240 डिग्री इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ 60 60 120 हो चुका है, तो 360 में से 120 घटाएंगे 240 बचेगा ना, तो यह और यह मिलकर 240 डिग्री हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी में, अब देखिए दोस्तों यह क्या है, ए बी, ए बी किसके बराबर है, ए डी के, यानी कि यह दोनों तो 10 सेंटीमीटर है ही, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये जो विकर्ण है ना, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ भी अगर यहाँ पे दोस्तों यह दोनों मिलकर अगर 240 है तो सिंपल सी बात 120 डिग्री यह हुआ होगा, 120 डिग्री यह होगा। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप सभी इस चीज को जान लीजिए, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण इक्वल होते हैं, या 120 तो या 120, अगर दोस्तों यह पूरा 120 है तो इधर 60 डिग्री बनेगा, यह 120 है तो इधर भी 60 डिग्री बनेगा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों कोण 60 डिग्री है, तो अगर तीनों कोण बराबर होते हैं दोस्तों तो वह बन जाता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन जाता है, त्रिभुज ए बी डी कौन सा समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह 10 है यह 10, तो यह भी 10 हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बस कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को हवा में उड़ा देना है, ठीक है ना, यानी कि समबाहु त्रिभुज जब दे देना तो तीनों भुजाएं क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करने वाले हैं, एक समांतर चतुर्भुज का, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लीजिए, वैसे वीडियोस मैंने बना रखी है ज्योमेट्री में डिटेल के साथ, तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण, समांतर चतुर्भुज यू बनता है, ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 डिग्री कम है। अब देखिए दोस्तों, इसके सबसे बड़े कोण का नाप कितना है, सबसे बड़े कोण का नाप पूछ रखा है, किसका पूछ रखा है, सबसे बड़े कोण। अब देखिएगा, माना सबसे छोटा कोण हमने मान लिया, माना सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण हमने मान लिया है थीटा है, दोस्तों सबसे छोटा कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा, तब सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तब सबसे बड़ा कोण, दोस्तों अगर ये थीटा मान लिया ना तो ये ऑलरेडी 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, पता है क्यों, तब सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री माइनस थीटा, इस वजह से होगा क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज में जो साइड के इस तरीके से यहाँ पे बनते हैं ना, ये एडजेसेंट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संलग्न कोण, यह और यह मिलकर 180 डिग्री होते हैं, तो जोड़ के चेक कर लेते हैं, थीटा प्लस 180 अंश माइनस थीटा, ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 180 डिग्री आ गया, यानी कि अब ये कंडीशन सही है, सबसे छोटा कोण हमने मान लिया थीटा और सबसे बड़ा कोण हमने मान लिया 180 माइनस थीटा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो यह कोण है ना 180 डिग्री माइनस थीटा, यह एक कोण इसके दुगने से 30 डिग्री क्या है, कम है, तो यहाँ पे दुगना करेंगे, दो थीटा और 30 डिग्री कम है ना, तो 30 डिग्री। तो लास्ट में पूछा क्या हमसे, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, दोस्तों सबसे बड़ा कोण का मान ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा कोण यही पूछ रहा है ना, 180 अंश माइनस थीटा, तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कोण, हमें ये थीटा का मान पता चल जाएगा, फिर इसमें रखेंगे तब सबसे बड़ा कोण होगा,
कह रहा है इसके दुगुने से 3 डिग्री 30 डिग्री कम है। तो थीटा है तो दुगुना मतलब 2 थीटा। अब 30 कम है तो 30 घटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये 2 थीटा ये माइनस थीटा उधर जाकर प्लस थीटा, जाकर 180 डिग्री ये माइनस 30 इधर आकर प्लस 30, 180 और 30 मिलकर 210 डिग्री और 2 और 1 मिलकर 3 थीटा। तो थीटा बराबर 3 से काटेंगे 210 में तो 70 डिग्री आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटा कोण हो गया 70 डिग्री और सबसे बड़ा कोण के लिए 180 में से 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ, किसके साथ चले जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो। जो भी वीडियो कभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों छोटा छोटा नॉलेज आप सभी के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आइए लेते हैं 22 कह रहा है निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में लंबवत होते हैं। किस आकृति में जो कर्ण होते हैं ना वो आपस में लंबवत होते हैं, तो कौन सी ऐसी आकृति होती है जिसमें कर्ण क्या होते हैं आपस में लंबवत होते हैं। तो समलंब में होते नहीं है, समांतर में होते नहीं, आयत में लंब होते नहीं है, तो कर्ण आपस में लंबवत होते हैं। दोस्तों जब हम समचतुर्भुज बनाते हैं ना, समचतुर्भुज कुछ हल्का सा झुका रहता है, हल्का सा इस तरीके से झुका रहता है, हल्का सा ज्यादा नहीं। समचतुर्भुज में क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना, क्या बनता है 90 डिग्री। यानी यही कह रहा है कि किस चतुर्भुज में ऐसा होता है कि कर्ण आपस में लंबवत होते हैं। तो हम चले जाएंगे समचतुर्भुज में ऑप्शन नंबर सी के साथ, किसके साथ चले जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा तो लाइक कर दीजिए और हाँ दोस्तों में शेयर करना आप सभी ना भूलिए, ठीक है ना, वीडियो को शेयर जरूर करिए। 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है दोस्तों, समलंब चतुर्भुज सब पढ़ा रखा हूं बेसिक में, ठीक है ना, सबका प्रॉपर्टी भी बता दिया हूं, अब नहीं पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर क्या होगा। ए बी सी डी कह रहा किसी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी की असमांतर भुजाओं ए डी तथा बी सी, यह ए डी है ठीक है ना, और यह क्या है बी सी, यही असमांतर भुजाएं हैं यानी कि समांतर नहीं है। असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु ई तथा एफ है, मध्य बिंदु क्या है ई तथा एफ है, यहाँ पे मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु एफ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि EF का वैल्यू कितना, यानी EF का वैल्यू कितना होने वाला, ठीक है ना। तो EF का वैल्यू के लिए क्या करते हैं पता है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप सभी के सामने आए ये मध्य बिंदु और इसका वैल्यू पूछ लेना, तो EF बराबर क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और 2 से कर देते हैं डिवाइड, तो जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी बाई 2, और ये किस ऑप्शन में है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, किसमें ऑप्शन नंबर ए में। कुछ भी इस तरह से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि कोई दिमाग हिलाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना, इसका हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे सर्किल की तरफ। 24 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के समूह कोणों का एक जोड़ा, समांतर चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज के समूह कोणों का एक जोड़ा, समूह कोण 3x माइनस 10 डिग्री ये है, ठीक है ना, और ये कह रहा है x माइनस 80 डिग्री है, x माइनस 80 डिग्री है। तो फिर कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, किसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का वैल्यू कितना होने वाला। दोस्तों यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी मैंने आप सभी को बता रखा है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू बस 3x - 10 डिग्री इक्वल टू एक्स माइनस 80 डिग्री। तो 3x है या प्लस एक्स इधर आकर माइनस एक्स, ये माइनस 80 है, आंसर माइनस में आ रहा है क्या, ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। ओहो क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों, वहां पे जो है प्लस 80 रहेगा, यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पे प्लस 80 रहेगा, ठीक है ना, प्लस 80 यहाँ पे। अब देखिए
ये माइनस 10 उधर जाकर प्लस 10 डिग्री, तो 3x में से 1x गया 2x बराबर 80 और 10 मिलकर 90, x वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से 90 में भाग देंगे 45 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, किसके साथ चले जाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बताइए कैसा लग रहा, जहां आज क्वाड्रिलेटरल जो है समाप्त हो चुका है और कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल, यानी कि डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं। सर्किल के 2-3 पार्ट आएंगे जो कि सिर्फ कंसेप्ट पर आधारित होंगे, क्वेश्चन सभी नहीं होंगे, केवल आपको बताया जाएगा जीवा क्या है, व्यास क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, अंतर्वृत्त परिवृत्त, सारा डिफिनेशन पहले समझा के फिर मैं आपको लेकर आगे चलूंगा, ठीक है। परेशान ना रहिएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा जिस तरह से करता हूँ। चलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।